शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजे हम। मिस्टर अमर, माफ करो, मैं थोड़ा बहुत बुरी खबर देने जा रहा हूँ। खन्ना अंकल चाचा जी नहीं रहे। बेटे मैं सब जानता कि जेड़े चाचे ने तेनू प्यो तुम ही वध लाड़ कीता होवे, उस चाचे की मौत तो बाद तेरे दिल से की गुजर रही होगी समझ सकता। अले इनू पढ़।
सॉरी पुत्र, एक फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं तेरे चाचे नू बचा नहीं सका। तेरा चाचा इन्ना कमजोर निकलेगा मैनू इस गल का पता ही नहीं सी। मनिया कि उन्हें दिक्कतां बहुत सारिया सी, पर मैं उन्हें कहा सी कि वह ऑपरेशन तो बाद ठीक भी हो सकता है। इंस्पैक्टर साहब, तुसी लाश नू पोस्टमार्टम वास्ते ले जा सकते हो। अमर मासी, तुसी सुते नहीं? बुढ़ापे च जिन्हां अखां ने इस घर च भयानक मंजर देखिया होवे, उन्हां अखां च नींद कीवें आएगी? चल पुत्तर रोटी खा ले। नहीं मासी, मैनू भुख नहीं है। मासी दा मतलब जानदा है? मासी माँ जिही, माँ दी गल नू नहीं टाल दे। चल पुत्तर, इस तरह गम च डुबे रहन नाल की होगा? ना पुत्तर, अपने खानदान दा इन्ना वड्डा बिजनेस है, ओनू तेनू ही अगे वधाना है, तेनू हिम्मत रखनी पैनी है। आहो पुत्तर। भाई साहब की है? मैं टुकड़े ले रहा। ओए सॉरी दिया, तेनू ए दोवे टुकड़े विखदे ने? ओए बड़े काम दी चीज है, बड़े काम दी, इंदे पैसे लगदे ने। पैसे इस दे नहीं, किन्ने? पूरे 5 रुपये। 5 रुपये इस दे? पैसे दे लालच विच तेरे दिमाग दा टायर फट गया है, ते सारी हवा बाहर आ गई है। अरे मूर्खा, की करेगा पैसा कमा के? पैसा केदे काम आया है जो तेरे आवेगा? अकबर बादशाह खाली हाथ आया से खाली हाथ गया। सिकंदर बादशाह खाली हाथ आया से खाली हाथ गया। धरुण जेहा वड्डा बादशाह खाली हाथ आया से खाली हाथ गया। इसलिए किसी ने बड़ी चंगी गल कही है कि सारी उम्र लंघ गई कमान च पैसा, ते बाद च यही साला बन गया जान दा दुश्मन। हाँ। ए जद होंदा है ना, टेंशन भी लेके आंदा है। मनुख दे सिर दे वाल उठ जांदे ने, मनुख गंजा हो जांदा है, फिर अयाशी करदा है, कोठियां ते जांदा है, शराब पींदा है, तां वाइफ ओदे चक्कर च पै जांदा है, उस तों बाद उस नूं बीमारियां लग जांदियां ने, ओह गिट्टे खिस के मर जांदा। उहदे मरन तों बाद ओही पैसे लई उसदे घर वाले एक दूजे दा खून कर देंदे ने, गोलियां चलांदे ने, चाकू चलांदे ने, तलवार चलांदे ने, और खून बहाना शुरू कर देंदे ने। की तू चाहुंदा है तेरे मरण तों बाद तेरे घर वाले एक दूजे दा खून बहान? नहीं नहीं भरा, मैं आपदे घरे खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहुंदा। इसलिए अपने दिल तो पैसे का ख्याल निकाल दे, ये 2 टुकड़े मेरी छोड़ी पा दे। ओए मेरे प्यो, तू ले जा 2 टुकड़े, मैनू पैसे नहीं चाहिए, मैनू पैसे नहीं चाहिए। तू पहले दसना सी ना, मैनू मदारी तो नहीं बनना पैंदा। अब बहुत वधिया माल है, बहुत चंगा है। जुत्ती दे थल्लो लाना है, ठीक रहेगा ना? जूता बहुत मजबूत रहूगा, ते बड़े साला तक चलूगा भी। बस कर। सौ लगवान तो आ गया है, पर तेरे जूते कितने ने? अरे अद्धा कम मैं कर दिता, अद्धा कम तुसी कर दो। मतलब जुत्ती दी जमीन मैं दीती है, तुसी ओदा मकान बना दियो। ओहो, ए काम तो चल मैं कर दवांगा, पर पैसे लगेंगे, ठीक है ना? पैसे? हाँ। जुत्ती बना के देंदा है या मैं फिर तू मदारी बन जा? हाँ? ओए मेरे बाप, फिर तू मदारी ना बन, फिर तू मदारी ना बन, एनु जान दे, मैं तन समझांदा, एनु जान दे। चलो किसे दे दिल च तां मेरी गल उतरी, इस नु दस की मदारी बनन च की काटा है, तां तक मैं आसपास नजर रखदा हां। ओ मैं तन समझांदा। हां सारे लोग आ चुके ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे लिए होटल बुक कर दो। ओके सर। रोहित, रोहित पुत्र। ओए खर्चा 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 कितने मुझे क्या भाई? मैंने साहब तू मिलता है तेने छोटे सरकार ने मिल। हाँ बड़ा जरूरी काम है। अंदर मीटिंग चल दी पई है, 2 घंटे बाद आए। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद। एक गल तो तुसी सारे चंगी तरह जानते हो कि साडी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर तरीके दे पंखे बनाती है, ते ओदी खास गल ए है कि असी ओदी क्वालिटी दे नाल नाल ओदा रेट भी रीजनेबल रखते हैं। नाले ही वजह है कि असी इंडिया दी नंबर 1 कंपनी आ। अज दी मीटिंग रखण दा मकसद ए है
कि असी इसी तरीके नाल आपकी क्वालिटी बरकरार रखिए ताकि असी कल्ले इंडिया च ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल दे विच कंपीट कर सके सारे नू। धन्यवाद सारे दा। सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित रोहित पुत्र कितने से तुसी की हाल है? कौन रोहित? माफ करीजिए मेरा नाम अमर है। कौन है? मैं जानता हूँ पुत्र। तू ऐसा क्यों कह रहा है? तू शायद अपनी चमक धमक दी दुनिया वाले नू अपने बारे च कुछ नहीं दसना चाहता है। ना दसो। लेकिन एक बार जाके सीमा नू वेख लो। कौन सीमा? तू सीमा नू नहीं जानता? जो कुड़ी तेनू दिलो जान तू प्यार करती है, जो तेनू एक बार ही देखने लई जिंदा है, तेरी मौत की खबर सुनने तो बाद जो ना जींदी है ना मरी है, तू उस सीमा नू नहीं जानता। हर प्यो चाहता है कि अपनी धी नू वो अपने सोहरे पैर देखे, पर यह प्यो चाहता है कि वो अपनी धी नू बस जिंदा वेखे। एक बारी उसनु जाके देख लो, शायद जिंदी हो जावे, शायद डेढ़ साल तू बाद उसकी जबान खोल जावे। मैं तेरे अगे हाथ जोड़ता हाँ, मैं तेरे पैर पैंदा हाँ। देखो जी, तुहानू गलत फहमी हुई है, मैं कोई रोहित नहीं, मेरा नाम अमर है ते मैं इस कंपनी का मालिक हाँ। ना जी मैं तुहानू जानता है ते ना मैं कदे किसी ने इश्क किया। दीपक। यस सर। एक काम करो, इन्हां दी बेटी दे इलाज दे कुछ। ओके कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, तुसी सही कह रहे थे, शायद मैं ही नहीं पहचान पाया, तू रोहित नहीं है। उसका सबूत है ये नोट। अगर तू रोहित होंदा ना, मैंने पी खिच ये नोट नहीं देंदा। इसनू रख ले, रब तेनू होर देवे। मेरी बीमार दीदी दुख ने मेरी एहो जी हालत कर दी कि सब मैनू भिखारी समझते ने। तेनू देख के ऐदा लग्या कि रोहित जिंदा है, शायद तेनू देख के मेरी धी जींदी हो जावे। मैनू माफ करो, मैं तुहाडा समय बर्बाद किया। रब तेनू होर दौलत देवे, बड़ी तरक्की करो बेटा। रुको, केड़े हॉस्पिटल चा तुहाडी कुड़ी? सीमा दीए, हे दीए, अरे कुछ तो बोल। इविक, तेनू मिलन कौन आया है? हे रोहित आया दीए, रोहित आया, रोहित आया दीए। हाँ रोहित आया। रोहित, डॉक्टर इसनों जी भर के रो लैण दियो, इस तो वधिया कोई इलाज नहीं है। सीमा दिए, दिए डॉक्टर साहब। यस नर्स, क्यों हो गया? डोंट वरी, ज्यादा खुशी करके वो बेहोश हो गई है, इसनु होश आ जाएगा, तब तक तुसी जरा। हाँ जी जरूर। नर्स आओ। ओके। पुत्र, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। मैं हैरान है कि तुसी मैंने रोहित करके बुलाया, तुहाड़ी कुड़ी ने भी मैंने रोहित करके बुलाया, ये सारा की माजरा है? मैं समझौता, ये देखो, ये लॉकेट च मेरी तस्वीर किता। ये तेरी फोटो नहीं है, रोहित की फोटो है। बड़ा चंगा ते शरीफ मुंडा सी सीमा रोहित, एक दूजे नू बड़ा प्यार करते सी, लेकिन किस्मत नू कुछ होर ही मंजूर सी। तकदीर ने मेरी कुड़ी दे हाथ विच लाल जोड़ा आते हत्या दी मेहंदी तलेक दित्ती सी, पर विहां होना नहीं लिखिया सी।
रोहित व्याह दे लई अपने मां बाप नूं लैण गया सी, वो तो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। सैड, वेरी सैड। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर जगमोहन, तुम्हारी बेटी नूं होश आ गया है, तुसी चाहो तो उसनूं मिल सकते हो। वेट अ मिनट, लेट मी सी। सीमा, रोहित, रोहित, तू मैनू छड़ के कित्थे चला गया सी? पता है लोग किद्दां किद्दां दीआं गल्लां करदे सन कि तू पर मेरा दिल बस यही कहंदा सी कि तू जिउंदा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिउंदी हां। तू ऐदा दा मजाक क्यों कीता रोहित? क्यों कीता तू ऐदा दा मजाक? आई एम सॉरी सीमा, डोंट क्राई। दरअसल मैं तेरा इम्तिहान ले रहा सी। मैं वेखना चाहुंदा सी कि तू मेरे बिना रह सकदी है कि एक सुपना समझ के भूल जाएंगे। लेकिन तू अपने इम्तिहान च फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई है। हुण मैं किते नहीं जाऊँगा, नाले हमेशा तेरे नाल रहूँगा, नाले तेरे नाल उदा दा पेश आऊँगा पहले दी वांगू। पहला बिल्कुल उदा ही। तेनू याद है साढ़े घर के सामने ही तेरा एनसीसी कैंप होया करता सी, ते किद्दां तू मैनू रोज़ छेड़िया करता सी। जिथे जिथे जावेंगी मेरा साया नाल होवेगा। रोहित, रोहित, माय फुट, डोंट बिलीव दिस। तुसी साडा नाम आपदे पैरां दे थले रोड़ता, एदा अफसोस नहीं है सानू जाने? डर है तो तुहाडे पैरां ते किते मोच ता नहीं आ गई पाकिजा? मिस्टर बेशरम, तुसी रोज मेरे पिछे पए रहंदे हो। की तुसी मैनूं दस सकदे हो कि ये बदतमीजी ते बेशर्मी दा सिलसिला कदों बंद होवेगा? कल तो इत्थे आना जाना छड्ड दिंदे आ। वेरी गुड। दूर दूर ते नजर नहीं आंदे तुहानूं? बस एक पप्पी दे दो। शट अप। उधार मांग रहे हैं? उधार दा मतलब समझदे हो? आज तुसी मैनूं पप्पी दे दो, कल मैं वापस कर दूंगा। वेखो जी, असीं बड़े खानदानी आदमी है, असीं किसे तों कोई चीज लैंदे आ ते ईमानदारी नाल वापस कर देने हुंदे आ, समझे तुसी? ऐदां दीआं गल्लां ते मैं बहुत जल्दी ते चंगी तरह समझदी आ, पर एक छोटी जिही प्रॉब्लम है। की? ओह, की है? कि मैं उधार च विश्वास नहीं रखदी। ए जिहड़ा लेण देण दा मामला हुंदा है ना, ओह मैं नगद च करदी आ। नगद बड़ी चंगी चीज होंदी है, तुसी कित्थों शुरू करोगे? इत्थों के उत्थों? कित्थों होवे चलेगा? की गल कर रहे हो तुसी? सच्ची तां कह रही आ। ए है तां नगद जरूर, पर ए खोटा सिक्का है। लगदा तुहाडा पप्पी देण दा इरादा नहीं है। कोई गल नहीं, मैं आपे लै लैणा। ओए उधार दे दे, एक
ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਐਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰ ਰੋਹਿਤ ਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਨਵਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਅਨਵਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਨਵਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਵਰ। ਖਿਆਲਾਂ ਤੇਰੇ, ਖਤ ਤੇਰਾ, ਉਠਾ ਕਲਮ, ਚੁੱਕਦਾ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਡੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਡੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਮੋਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਚੱਕ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਆਖਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸਮ ਨਾਲ
जे कदे कंजूसी दा कंपटीशन होया ना ता थानू गोल्ड मेडल मिलेगा। गोल्ड मेडल मेरी कंजूसी नाल गोल्ड मेडल कर आवेगा, कुछ जावेगा नहीं। चल डैडी खुद दीवाला नु पड़ जा, मेरे वाल पट्टेगी। ओ अंग जा रे हट जा, पर मैं नहीं नौकरा दे मुंह लगदा। नौकर मैं तेनु नौकर दिसदा, पर आदे आप नु सरकार समझदा है। अंदर मालिक ने दूध पान नु क्या दूध पान चलना है, बार बार रोकी है ना तेरे रिश्वत च दूध चाहिदा है। हाँ, जे मैं तेनू अंदर जान दितिया ता तू रिश्वत मैंने दूध पिवावेगा की? ओ तू ता जवा मेरे वांगू बोलता है, तू कित्थों दा है? गौसे मोगा फेर ता तू हैगा साडा पड़ोसी, क्योंकि मैं हैगा मकसर तो उत्थे ही रहो, ए सब बाद विच करांगे। एक गल दसी माली काका। माली काका? अच्छा माली सही है? मालिक है नहीं, बाहर गए ने घूमण। उड़ी होनी अंदर है। एक गल बोला सच्ची। हाँ। बहुत कमाल दी चीज है, है? फिगर वेखे, फिगर समझदा कि नहीं? कमाल का फिगर है, जदों भी मैं उन्हें वेखता मेरा तो जी करता उन्हें चक के ले जां ते पिंड जाके व्याह करा ला मैं ता उहदे नाल। तू उहदी प्यो दी उम्र दा है, तू की करेगा? ए बेरा डिपार्टमेंट है, एक ही गिद्दा पा रहा तू। अरे मामूली दूध वाला होके इतनी वड्डी जबान, जे तू मामूली नौकर होके मेरे सामने इतना ओपन हो सकता है तो मैं भी ओपन होया ना फिर। नहीं ओ मैं दूध वाला नहीं हैगा वे। हां आवेक मैं तो ओदा आशिक है, बहुत दिन हो गए उन्हें पटाण की कोशिश कर रहा पर हाथ नहीं आती, पता सोचे आज जाके चिट्ठी दे दा। ओ नाल वाले पिंड दा इतना काम कर दे, चिट्ठी दे दे उन्हें। दे दिया तो देखो किसने की देंदा। डैडी डैडी तानू डैडी डैडी का तो कहती पई है? ए मेरी धी है। ते पहले दसना चाहिदा है ना कि तुहाडी कुड़ी है। ए तो दसना चाहिदा ना घरे कौन हैगा, कौन कुड़ी है, कौन मुंडा है, किवें है। ओ ए ते होई भी हुंदा है ते ओ भाई साहब कौन ने हुण तू ए सीडीएट दी हिम्मत किदा होई इत्थे वड़न दी ते आ की ए ओ देखेगी असी छड्डांगी नहीं। अरे धीए तू एवें ही नाराज हुंदी पई है, दरअसल मैं भी तेरी मां नूं एवे ही खत लिख के गाला सी। हाँ मैं तो खाली हाथ गया सी, लेकिन उल्लू दा पट्टा पूरा दूध देखे गया है। एविक की होया? मैं सोचा सी दुनिया च मैं ही 420 हाँ, ये तो 840 निकला। ए तू कि मैंने कुत्ते दा पिल्ला समझदा जो इस तरह बुलाना है? कितना दी गल करते हो सर, मैं तो तुहानू खुशखबरी देना आया सी, तुहाडे तां दिन बदल गए सर। की गल करदे हो सर? आ कुड़ियां दी तस्वीरां देखना बंद कर दो, अज तुहाडी जिंदगी च संसार दी सब तो सोहनी कुड़ी आन वाली है। नहीं नहीं ओ तुहानू कोई चीज भी देख जाऊगी। तैनू कैसे पता? मैं सुपना वेख्या। ओए बेवकूफ सपने भी कदे सच होंदे है कि? मेरे होंदे है, मेरे होंदे है। तुस चाहो तो कैंप च किसे तो भी पुछ लो, मैं जीते बारे जो देखे वो सच होया। ए ए एक गल दस, ओ कुड़ी मैनू की देके जाऊगी? हैं ए नहीं मैं दस सकता। देखो ए जे तू मैनू नहीं दस्या ने ते मैं तैनू रस्टी ग्रेड कर देंगा। तुसी इदां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना पूरा होने लगा नाले तस्वीरां वाली गल्ला। Come in. Good morning, sir. आज तुहाडी जिंदगी च संसार दी सब तो सोहनी कुड़ी आन वाली है। नहीं 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 ओ तुहानू कोई चीज भी देख जाऊगी। की मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस आजो 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 आजो। हेलो सर। सर मैं थानू कई दिनों तो देख रही हूँ। मैनू? हाँ तुसी किन्ने चंगे हो, किन्ने शरीफ हो, किन्ना डिसिप्लिन है थोड़े च। मैं थानू बहुत एडमायर कर दी हूँ। एक तुसी ते एक सर मैंने बहुत शर्म आ रही है दसन च, मैं थानू की दसा, तुसी बस एक खत पढ़ लो। इस खत नू पढ़ के नाराज ना होयो, क्योंकि इस खत विच अल्फाजां दे थां ते अपने दिल दे छोटे छोटे टुकड़े बिखेर के थोड़ी खिदमत च पेश किते ने। जान मेरा यकीन करो, जदों दा तैनू देखिया है ना दिल नू चैन है ना करार, मेरे देखण तो तैनू गुस्सा भी आउंदा होना है। हाँ पर नाराज ना होई जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान।
मेरी मोहब्बत नू मेरा नजराना समझ के कबूल कर ले। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया तुसी सर? हाँ हाँ पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया सर। इस दा जवाब मैंनू हुणे ते इसी वक्त चाहिए दा। हुणे? हाँ। ऐसे वक्त? हाँ। दिना ने कम दे विच देरी की। एक तोड़ा खत ते ए मेरा जवाब। बड़े बदतमीज किस्म दे आदमी हो तुसी। मैं थोड़े एक स्टूडेंट दी बदतमीजी दा जवाब मंगया ते उसदे बदले विच तुसी ए लिख के दे रहे हो कि तुसी मेरे नाल व्याह करना है। बड़े घटिया किस्म दे आदमी हो तुसी। नहीं नहीं मैं आई एम गोइंग टू मीट योर मेजर। स्टूपिड खड़क सिंह, ए सब की है? ओही सर जो तुसी देख रहे हो। सर जे तुसी मेरी थाते हुंदे, जे तुहाडे तो जवाब मंगदी ते तुसी भी ओही जवाब दिंदे जो मैं दित्ता है। सर मैनू गलत फहमी हो गई सी। तुसी रोहित नू क्यों नहीं बुलांदे जिन्हें ये खत लिखे है? रोहित गल सारी समझ आ गई सर। ये हरकत रोहित दी है। उन्हें अपनी जान बचाने दे लई मैनू कहा कि खूबसूरत लड़की आऊगी जो तुहानू कुछ दे के जाएगी। मैनू की पता सी कि मैनू रोहित दी चिट्ठी दे के जाऊगी। ही इज फ्रॉड सर, उन्हें बुलाओ सर। सर तुसी मैनू बुलाया सर। रोहित की ये सच है कि तू एक खत ले जाके इन्हां दे घर इन्हां नू दित्ता सी? एक मिनट। ओ दारल चुम्मा एवें आराम नाल देते ने वरना फिर गड़बड़ हो जानी सारी। शट अप। सर ये कौन है? मैं इन्हां नू नहीं जानता। मैं कोई चिट्ठी नहीं दित्ती इन्हां नू। ते जे तुहानू मेरे करैक्टर ते शक है ते तुसी खड़े सिंह नू पुछो। ए मैनू ओह तो जानदे जदों मैं चड्डी च घुमदा हुंदा सी। अच्छे जी घुमण दा ते चिट्ठी लिखण दा की संबंध है? सर इसी गल्लां च बिल्कुल ना है। बहुत झूठा आदमी है। तुसी हो कौन? तुसी वार-वार मेरे ते इल्जाम लगाई जांदे हो। सर तुसी ये चिट्ठी ध्यान नाल पढ़ो। ए मेरी हैंडराइटिंग हैगी है। मैं कदे इधर दी शायरी कीती है? नहीं नहीं ये तां अनवर दी है। फिर तुसी अनवर नू बुलाओ सर। तू किथे चले? मैं किथे जा रहे हैं? आओ आओ अनवर मियां तशरीफ ले आओ। आदाब अर्ज। भाई अनवर मियां की खूब लिखदे हो तुसी। धन्नवाद धन्नवाद। अते हैंडराइटिंग भी कमाल दी है। धन्नवाद धन्नवाद। बस तुसी सीधे हो जाओ हजूर। ते ए दसो कि ए खत इस मोहतरमा नू तुसी लिखिया सी? सर मैं इन्हां नू नहीं लिखिया सी। ए इन्हां दी बेपनाहियां दी चाहत नू मद्देनजर रखदे होए ए खत मैं इन्हां दी नजर कीता सी। कोई भी गड़बड़ कीती ना तां मैं सारिआं नू दस दूंगा तेरे नाल बस च की फया सी। अनवर तू डरना, सर नू सच सच दस दे ये चिट्ठी किन्ने लिखी सी? मैं लिखिया सी सर। सर सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तुसी चुप रहो, तुसी मेरे दोस्त नू डराने की कोशिश करते हो। अनवर इन्हां दे घरे चिट्ठी किन्ने दित्ती सी? मैं पहुंचाया सी सर। अनवर सबसे अच्छा सर। अनवर तू उत्तों इन्ना शरीफ ते अंदरों इन्ना बदमाश है, इस गल दी सजा मिलूगी। धन्यवाद धन्यवाद। तेज भाग ऊपर। अनवर मेरे भरा किदा है तू? रोहित मैं तेनू कदे माफ नहीं करांगा। जेकर तेरे दिल च मेरे वास्ते थोड़ी जी भी इज्जत है तो किसी नू ना दसी कि पासे च की होया सी मेरे नाल। गल करदा अनवर तू, मैं आज तक किसी नू दस्या तेरे नाल थिएटर च की होया सीगा? तू भज अनवर भज। ते तू वेख मैं तेरा बदला लैन लई की करदा है। हे रब्बा हे रब्बा, मैं किथे आ गई? पहला तुसी ये ता दसो तुसी हो कौन? मैं एक बंजारन हाँ। जंगल च जा रही सी ते मेरे पीछे सप पै गए। आपदी जान बचाण लई मैं तुहाडे टेंट च घुसकी। अच्छा मैं चलदी हां। रुको रुको, आज दी रात इत्थे रुक जाओ। बाहर बहुत वड्डे वड्डे सप है, तुहानू डस लैणगे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਾਂ ਕਿਤਾ ਪਾਓਗੇ? ਖੇਡਾਂਗੇ
ਖੇਡਾਂਗੇ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਰਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਰਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਰਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਰਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਰਪਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਫ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਬਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਛ ਵਾਲੇ ਕੋਬਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ? ਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਏ ਲਰਸ, ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਖਾਮੋਸ਼, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈੱਕਅਪ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮਿਸਿਸ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਿਸ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਏ ਸਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਉਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲੋ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਛੜ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਚੱਲ ਹੁਣ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਓਹੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜੋ 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 ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਾ। ਓਏ ਠਹਿਰ। ਓਏ ਗੁੜ ਲੱਗਤਾ ਲੈਂਦੀ ਜਾ। ਓਏ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ। ਯੈਸ। ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਾਂ? ਹਾਂ, ਆ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਟ ਜਾ। ਆਈ ਸੈਡ ਜਸਟ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਹੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
पहले बोल नू हाथ लगा के दिखाओ जरा तुहाडा है। चलो आ की है बिल का दा बिल असी तो कुछ खाया भी नहीं। ए ओदा बिल नहीं है जेड़ा तू खादा है, ए ओदा बिल है जेड़ा तू खान वाला है। पढ़ पढ़ एक अख दूजी अख पढ़दा रहे पढ़दा रहे। कांधड़ी खिंची लिया कोई नहीं। रीढ़ दी हड्डी हाँ हाँ पढ़ पढ़। पैर दी हड्डी चल चल पढ़ पढ़। एक पसली दी हड्डी हाँ ठीक है पढ़। मेरे टेटुआ हाँ ओए बिल दो एनू। हाँ तो तू लाया ना बिल भी तू ही भरेगा। ले गेंद दे। ओ तेनू बोल दी पई मेरे हाथ दी नहीं। ओए मर जानी है गेंद ता लैण दे फिर तेनू भी छड़ा लांगे। ओ कर जा के लड़ना बोल चाहिदी है ना। हां ए टूट गया ओए। साल्या तेरी दा बोल नाल मारूगा बोल नाल। मैं तेनू चाकू नाल मारांगा चाकू नाल। ए, ए, आ, आ, चल मार। छड़ ना छड़ ना छड़ ना छोड़ दूं। उमा उमा मा 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 की गल है वड्डे बदमाश बांदे दसा तुहानू इधर उधर मैं तेरी ओए ओए सब्जी कटन दे चाकू किसी होर नू विखाई जानना के नहीं नहीं। ये 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 बकरिया वांगू मैं की कर रही है। सोनी कुड़िया नू एहो जे कपड़े पाके स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा स्विमिंग करने का शौक है ना तो घर दे बाहर खड्डा करो ते कूद जा। ओ कंजूस किथे है? कौन? तेरा प्यो। उन्हें क्या क्लब दे पैसे बच जाएंगे। ये तो चंगा होया कि मैं तेनू छेड़न लई इत्थे आ गया, नहीं तो पता की हो जांदा। रोहित मैनू अफसोस है कि मैं तेनू गलत समझिया। अरे तुसी खड़े खड़े इदा अपना अफसोस ना करो ना। मतलब बह के चाह पी के आ जाओ। चलो चीयर्स। जड़ी नसीब ना नसीब टकरान की शुरुआत होंदी है ये चाह नाल होंदी है। वेखो ना जदों भी कोई मुंडा किसी कुड़ी नूं वेखन जांदा है ते उहदे घरे पहुंचदा ही है ते उह शर्मा के कहिंदी है चाय ले लो ना। डोंट यू थिंक दिस इज राइट? आई थिंक यू आर। ओ वेखो वालियां वालिया किवें आपदी मशूक नूं हीरोगिरी विखा रहा है। हां ओए चल ऐंदे हीरोगिरी कर दे। हां चल चल। तोड़े होठ बड़े खूबसूरत है। चाय पी लईए? ओह शिट। ओ पाओ कौन आए? तू वादा किया सी मार खान दा 2000 देगा। ओए हुन 500 च टरकांदा है। हैं ओ आ फट तेरा 500 नहीं चाहिदा। नहीं चाहिदा। ओ की बकवास करदा है सीमा मैं इन्हां नु जानदा भी नहीं। ओ पैण दे टके मैं तेरे पैरां नु हथ लांदा आ। ए बड़ा जिटर है। ओ इन्हे कहा सी तेरे सामने मार खान दा 2000 देवांगा। ओए हुन 500 च टरकाई जांदा है बड़ा कंजूस है। ओ चल भगवान चल। ओ छड्ड यार इन्हां नु सीमा मैनु तेरे कोल नहीं। सीमा कुत्ते कमीने। हैं
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨੇ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ। ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 500 ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੁੰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ। ਨੌਟੰਕੀ ਹਟ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੰਨੇ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ। ਚੱਲ ਹਵਾ ਆਂਦੇ ਚੱਲ। ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ। ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਬਣ, ਚੱਲ ਹਟ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾ। ਅਬ ਤੇਰੀ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ
अन्नी है गे विखदा नहीं है की मगर मच वंगू हंजुवारी है नो टंकी इधरा किधर इधरा इधरा हट मेरे सामने तो ते फिर मैं तेरे पीछे पीछे नहीं आ सकता की जा चल पाजे तो चल पाजना तो तेरी ता इधर दसा मैं पता नहीं की समझता है एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे सीमा इन्नी ने किसी जदों इसकी मां गुजर गई उस दिन तो मैं इसनू मां प्यो दोवां दा प्यार देके बड़ी कंजूसी नाल पाला हैगा नहीं नहीं बड़ी चंगी तरह इसनू पाला हैगा मैं इसकी हर खुशी नू अपनी खुशी समझा इसके हर खर्चे नू अपना नुकसान समझा भाई मनो ये रिश्ता मंजूर हैगा धन्यवाद 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 की गल है ਵਿਆਹ ਇਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾ ਇਹ ਲੈ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਅਤ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਗਾਈ ਹੈ ਅਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋੜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ अरे भाई उत्थे रख दो छेती करो देर होनी पई है अरे धीए तू की कर रही है तैयार नहीं हुई बरात दे आण दा वक्त हो गया है हेलो जगमोहन जी बोल रहे ने हाँ जी वही बोल रहे हैं एक बहुत बुरी खबर देनी है जेडी बस च बरात आ रही सी ओदा एक्सीडेंट हो गया है बस दा एक्सीडेंट हो गया ते जिन्ने भी बराती सीगे सारे दे सारे मर गए की गल कर रहे हो सारे मारे गए की डॉक्टर रोहित नू बचा नहीं सके रोहित पर तो ता फिर ओ पागल ओ खबर झूठी सी हाँ अवेक बिल्कुल सही सलामत है जिंदा है तेरे सामने खड़ा है अवेक ਇਵੇਕ ਉਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ लेकिन तेरी एक नज़र ने जो कम किया है उसके अगे मैं बेबस हो गया थैंक यू डॉक्टर हूँ तो सीमा का एक ही इलाज है रोहित मिस्टर अमर बड़ी मेहरबानी होएगी इस गरीब बाप से जे तुसी सीमा की जिंदगी विच रोहित बन के आओ एक ही कह रहे हो तुसी मैं तुहाडे वक्त की कीमत नू जानदा हाँ मिस्टर अमर लेकिन एक मासूम की जान तो कीमती कुछ नहीं हुंदा ते जदों उन्हें सच पता लगेगा तो उस मासूम की जान का की होगा पता तुहानू उहदी जान जा सकदी है नहीं पुत्र इहो जिहा होण तों पहला मैं दस दियांगा कि तुसी जो भी कीता उसनू नवी जिंदगी देण लई कीता तां तक ओह दर्द नू सहण दी ताकत भी आ जावेगी ओह लायक भी हो जावेगी तां मैं उसनू इह भी दस दियांगा कि उसदा रोहित इस दुनिया विच नहीं है नहीं नहीं एदा दा कुछ भी नहीं मैं किसे दे जज्बात नाल नहीं खेल सकता इजाजत मैं दे रहा मैं एक प्यो के अपनी धी नू धोखा दे रहा की करा मजबूर हाँ बड़ा बहुत मजबूर हाँ मैं तेरे अगे हाथ जोड़दा अपनी छोड़ी अड़दा हाँ मेरी धी की जिंदगी मेरी छोड़ी पा दियो मैं तेरे पैर पकड़दा ये की करदे पए हो
ठीक है ठीक है। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਮਾ? ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ। ठीक है तुसी मिसेस गायकवाड़। अरे जद मैनू पता चलिया कि तू जिंदा है ना, मैं बहुत ही खुश हो गई। ते जद मैनू पता चलिया कि तू मर गया है, हाय मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। कितना पागल है तू, मैनू किन्ना रुलाया याद है? एक दिन तू अस्पताल आया सी कुड़ी बन के। कांग्रेचुलेशन सीमा, तेनु रोहित मिल गया। थैंक यू मिसेस गायकवाड़। आज शाम नु असी एक पार्टी में आवांगी। हाँ हाँ, मैं जरूर आवांगी, आऊंगी। मिसेस गायकवाड़, हाय वेक्या, मैं आ गई ना। सो नाइस ऑफ यू। एक थोड़ा पीछे मोड़, छेती चल 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 चल, इसनु रख दे, तू तू जाके हवा खा के आ। ठीक है भाई साहब, तू सीधे जाओगे जरा कार दी गल है। अरे मेरा दिवाला कड्डोगे की? इतना वड्डा वड्डा पैक बढ़ा के लोगों को कौन देता है? सर लोग मांग रहे ने तो मैं की करा? लोग मांगण गए तो तू पूरा बाहर दे देवेगा। ए है विस्की, जिसने ज्यादा ली चुस्की उनकी जिंदगी दुनिया तो किसकी? जिंदगी दुनिया तो किसकी? हां इसको पीना हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने तो बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चे नु कुड़दे, बच्चे उस नु कुड़दे ने। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी, लोग एवं डरेंगे जिवें प्लेग तो डरते हैं। तू की चाहना कि विस्की बदनाम हो जाए? बस करो सर, मैं थोड़े सामने हाथ जोड़दा, हुण तुसी दसो मैं की करा? इत्थे ही खड़ोता रहे और की? नहीं सर, मेरा मतलब कोई विस्की मंगे तो मैं की करा? हां एक काम कर, जो फुल पैक मंगे उसनु अद्धा पैक दी, ते जेड़ा अद्धा पैक मंगे ओनु उसनु खाली सोडा दे दी, पानी मिला के। जस्ट वन सेकंड रोहित, I'm so happy to see you. Come, आजा सारी फ्रेंड्स नाल मिलाउनी आ। आज दी पार्टी बहुत अच्छी है सर। तुहाडा पहला ग्लास है? मेरा पंजवाइल पर पहले वर्गा लगता है। It's a pleasure to meet you. रोहित, तू किवे है रोहित? Excuse me sir. और की हाल ने तुहाडे? रोहित तेनू मैं उस वेले तो जानदा जदों तू कच्चे च घूमदा हुंदा सी। बचपन तो जानदे हो, थोड़ा ध्यान नाल बोलो ये गल नूं। पर एक गल समझ नहीं आउंदी, उस दिन तेरा मेडिकल चेकअप होया कि नहीं? ओदे च की निकलिया फिर? पापा पापा, मेडिकल चेकअप होया सी, ओदे च की होया फिर? खड़क सिंह जी, मैं तो खड़ा ही हां सर। काफी देर तू खड़े है, चलो थोड़ा घूम के। ओथे मजा नहीं है? अरे बड़ा मजा है। अरे चलो तो सही, मेरी गल तो सुन लो। चलो चलो चलो, कुछ करदा सी, घूमदे रहो। मैं तो एवे पूछ रहा सर है।
ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਦੋ ਜਿੱਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋਰੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰੀ ਅਨਵਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਸਿਸ ਗਾਇਕਵਾਡ ਬਤਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਸਿਸ ਗਾਇਕਵਾਡ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪਾਟੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ।
पुत्र एक बारी फिर कहो तुसी मेरी बेटी नाल। तुहाडे कन्ने ने बिल्कुल सही सुने, मैं सच्ची सीमा नाल व्याह कराना चाहना। सुना ए अमर है, ए अपनी सीमा नाल व्याह करना चाहता है। बड़े वड्डे घर तो रिश्ता है सादी धी लई, बड़ा अनेक मुंडा है, ए उही मुंडा है जिसने सादी धी दी जिंदगी बचाई। लेकिन बेटा तू कदी इस बारे सोचा है कि सीमा नू कदी है इस गल दे बारे च कदी पता लग गया था कि तू रोहित नहीं अमर है? तुसी बेफिक्र रहो अंकल, मैं उन्हें सारा कुछ दस दूंगा। राज भावे पति का हो पत्नी का, जो उन्होंने खोल दिता जाए तो बड़प्पन होंगे, लेकिन उन्होंने छुपाया जाए तो धोखा। बड़ी चंगी गल कही तुसी, मनुख बड़े ही जान दे देवे अपनी, किसी नू धोखा ना देवे। आज मैं अपने दोनों के व्याह की गल तेरे पापा ना करन गया सी। असी तो बहुत पहला अपने दिल दे चुके सी, तू मैनू अपनी पत्नी ते मैं तेनू अपना पति मान चुकी हाँ। सीमा मैं तेरे नाल एक सीरियस गल करना चाहना है। की गल है रोहित, कोई परेशानी है? जे मैं तेनू कहवा मैं रोहित नहीं हैगा ता क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं हैगा सीमा, वेख आपा दोनों व्याह दे बंधन च बनन वाले हैं, इसलिए मैं समझदा ये चंगा होगा कि मैं अपने जीवन की सारी सच्चाई तेरे सामने रखदा। मैं अमर है, रोहित दा हम शकल। जो रोहित की मौत हुई तो तू जिंदा लाश बन गई सी सीमा, जो तेरे प्यो की नज़र मेरे ते पई तो उन्होंने मैनू कहा कि मैं रोहित बन के तेरे सामने आवा, लेकिन जो तू मेरी जिंदगी च आई तो प्यार ले नी तपस्या सच्चाई सब कुछ देख कर मैं भी तेनू प्यार कर लग पिया। अज गल इतों तक आ गई है कि मैं तेरे नाल व्याह कराना चाहना है। मैं जानता रोहित तेनू बहुत प्यार करता सीगा सीमा, लेकिन मैं तेनू रोहित तो घट प्यार नहीं करता। हाँ तू महान है अमन, रोहित बारे च सब कुछ जान के भी तू मैनू अपने दिल च जगह दीती। इंसान नू एक खुली किताब वांगू जीना चाहिए सीमा, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का अज एक राज दसन लगा। दरअसल बहुत दिनों तो मैं अपने दिल अपनी आत्मा से एक बोझ लेके घूम रहा है। बोझ? हाँ सीमा बोझ। आज तो कुछ समय पहले अखबार च खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप में गोली मार के खुदकुशी कर ली, लेकिन आज तक कोई कोई जान नहीं सका कि वो आत्महत्या नहीं कतल सीगा। कतल, वो कतल मेरे हाथों होया सी। तेरे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐदा दे सी सीमा, मेरी जगह कोई फरिश्ता आंदा तां वो भी हाई करदा। मेरे अलावा मेरे घर च मेरी मासी ते मेरे चाचा रहिंदा सी। मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मासी ने कदे माँ बाप की कमी नहीं रहन दिती। ते एक दिन शाम नू जदों मैं ऑफिस तो घर लौटिया ते मैं देखिया। नहीं छोड़ दो मैनू, रब दा वास्ता तुहानू मैनू छोड़ दो मैनू, मैं कहनी छोड़ दो, रब दा वास्ता तुहानू मैनू छोड़ दो। चाचा जी मासी नू छोड़ो। चाचा जी मैं तुहानू की समझदा सी, तुसी की निकले? मेरे ते हाथ चक्या तू भुल गया, तू इन्ना जोड़ा सीगा तेनू पाल पोस के वड्डा कीता, ते तू मेरे हाथ चकूगा है? तेनू दसदा हुणे मैं, रुक खड़ जा। ले तेरी भैन भतीजे हट जा, मैनू मार दे। होश चाहो तेरी रिवॉल्वर तो सुट्टो। चाचा जी की कर रहे हो? चाचा जी छड्डो, चाचा जी हट जा, मैं के रिवॉल्वर मैनू दो। चाचा जी की कर रहे हो? चाचा जी छड़ो नहीं, चाचा जी छड़ दो, चाचा जी रिवॉल्वर छड़ दो। चाचा जी नहीं, अमर आ की हो गया? मासी जी मैं तो रिवॉल्वर छीन रहा सी, गोली कितों चल पी?
मैं जान पूछ के तेरे खून कितना नहीं मासी, और ना पक्की करांगे मासी। मासी हेलो पुलिस पुलिस मासी, पुलिस नु फोन क्यों कर रहे हो तुसी? पुलिस नु फोन करन दे, मैनू तेरे रिवॉल्वर मैनू दे दे। मैं पुलिस नु साफ साफ कह दांगी कि तेरी चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते सी, अपनी इज्जत बचान खातर मेरे तो खून हो गया, मैं कह दांगी। नहीं नहीं मौसी, खून था मैं कितना, तुसी इल्जाम अपने सर ते क्यों लोंगे? मैं तो इल्जाम अपने सर ते नहीं लेन दूंगा। अपनी जिद ते अड़ा रहा, तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप नु गोली मार दांगी। नहीं नहीं मासी, तुसी आप नु गोली क्यों मारोगे? तुहाडे अलावा मेरा है ही कौन? एक तो समझ नहीं आता पाया कितने जाइए, किस तो मदद मंगी, की करिए मासी। हाँ अबर तू किसी दी भी हैंडराइटिंग चंगी तरह कॉपी कर सकता है ना, तो फिर चाचा जी दी हैंडराइटिंग। मैं समझ गया, मैं समझ गया मासी। आई बैठू दे ते तू ऑफिस चला जा, ते मैं पुलिस नु फोन कर दिए ताकि किसी नु तेरे ते शक ना होए। जा जा हुन छेती। ते इस तरह असी सारे ने मिलके एक कतल नु खुदकुशी दा ना देता। मेरी ते मेरी मौसी दे अलावा तीजी तू है जिदे सामने ये राज खुले है। मेरी जगह अगर तू होंदी ता की कर दे? सीमा चुप क्यों है? तेनू नफरत होगी मेरे तो? सीमा हेलो, एसीपी चंद्र बेदी स्पीकिंग। सर मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। साड़ा मिशन कामयाब हो गया, अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आ सब की हो रहा पुत्र? पहला तेरी हती चाचा जी का खून, हेरे इस लाखा ए मेरी जेही मनहूस ते बदनसीब दा साया पिया है तेरे ते। ओह नहीं नहीं मासी, तुसी आपदे आप नु क्यों कोस रहे हो? ए मेरे जुर्म दी वजह नाल थोड़ी होया है, ए तां मेरे सच बोलन दी वजह नाल होया। दिल दा साफ है ना, तां दिमाग वाले ने फायदा चक लिया। तू मेरी खातिर अपनी जबान बंद रखी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दुनिया नु चिल्ला चिल्ला के दस दांगी के तू। नहीं नहीं मासी, ये जुर्म ना करियो मेरे ते। फांसी दे उत्ते चढ़न दी हिम्मत है मेरे ते, पर इन्नी हिम्मत है नहीं के वकीला तो पूछे जान वाले कटिया ते गंदे सवालों दा सामना कर सका। सो है तुहानू मेरे सर दी, तुसी ये राज नु राजी रखोगे? मैं वाह नी औरत वाह, की रूप बुखाया तू। मेरे अमर दे नाल इन्ना वड्डा धोखा किता, मेरे पुत्र ने तेनू की समझिया ते तू की निकली? सर की नीवा करनी है, अखा मला के गाल कर डायन। ओ तुसी होश ता हो? सॉरी। मेरे अमर नु सजा दिला के तो जिन्ने चाहे मेडल जित ले, लेकिन इस अबला दी बद्दुआ है तेनू। मैं कहनी है रब करे तेरी गोद कदी ना परे, तू औलाद नू तरसे ता तेनू पता लगूगा, पता लगेगा तेनू औलाद दा दर्द की हुंदा है।
हाँ जी, किद्दा चल रहा है? हाँ भाई, एसीपी साहब, असी प्रेस वाले ये जानना चाहते हैं कि तुहानू किवें शक पिया कि राम कुमार सक्सेना ने खुदकुशी नहीं की। कतल तू दो दिन पहला मेरी राम कुमार सक्सेना नाल गल हुई। चंगा बंदा सी, एक पल भी वेख के नहीं लगा कि यह बंदा जिंदगी या बीमारी तो तंग आके बंदा खुदकुशी कर सकता है। हस रहा सी, हसा रहा सी, और अचानक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने तो बाद शक होया ते असी उसके कतल की तहकीकात की। असी एक नकली प्रेम कहानी बनाई जिसका हीरो रोहित नाम का एक करैक्टर सी जो सीमा नाल प्यार करता सी। और रोहित की मौत की खबर सुनने तो बाद सीमा नू सदमा पहुंचा और वह कोमा चली गई। और जो सीमा का रोल है वह मेरी धी इंस्पैक्टर सीमा ने किया और मैं गरीब भिखारी प्यो का रोल किया। इसने डॉक्टर का रोल किया, यह खड़क सिंह बने सी। इसने मेजर का रोल किया और हॉस्पिटल की नर्स बनी सी। और अनवर जो मरे हुए रोहित का दोस्त सी, अमर सक्सेना ने इस कहानी नू सच मान लिया और ओ सीमा नू नई जिंदगी देण लई रोहित बनन लई तैयार हो गया। पर उस खत दा की होया जेड़ा खुद राम कुमार सक्सेना ने खुदकुशी तो पहला लिखिया सी? उस खत दे कारण ही असी लभना शुरू कीता और मेरा शक यकीन च उस टाइम बदला जद अमर तो सीमा ने अपने ही क्रेडिट कार्ड ते उसकी साइन की नकल करवाई। जो मनुख बिना प्रैक्टिस किए किसी के सिग्नेचर की हूबहू कॉपी कर सके वो अपने चाचा की जायदाद हासिल करने लई की कुछ नहीं कर सकता। सर, इस केस च अहम भूमिका निभाण वाली मिस सीमा दा इस कॉन्फ्रेंस च ना आने दा की कारण है? डैडी, जिन्हां हालातों में अमर के हथों अपने चाचे का खून होया तो की गलत होया? मैं थानू पुछदी हाँ, जे तुसी अमर की थां हुंदे ते मेरी इज्जत ते बाण आउंदी ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਮਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸਰ। एक तरकीब है जिस तो मैं अमर नूं घट तो घट फांसी की सज़ा तो बचा सकता हाँ। मैनू इहो जिहे सबूत ते अजिहे गवाह कट्ठे करने होणगे जो ये साबित कर सकन कि अमर दी दिमागी हालत ठीक नहीं है ते कतल करन वेले वो अपने होश ते हवास च नहीं सी। या इस तरह कहो कि अमर पागल है। योर ऑनर, अमर नूं फांसी दे फंदे तो बचाण लई ये मेरे काबिल दोस्त दी एक चाल है जिस दे तहत इन्होंने इस पागल करार दे के अदालत विच खड़ा कर दिता है। योर ऑनर, मैं अमर नु कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हाँ। इजाजत है की है? हाँ ता अमर। हाँ जी वकील साहब। ये दसो तुसी अपने चाचे का कतल क्यों किया? की गल कर रहे हो वकील साहब? चाचे ते भतीजे का रिश्ता उवे हुंदा है जिवे अंडरवेयर ते नाड़ा। द रिलेशनशिप ऑफ अंकल एंड नेफ्यू इज लाइक अंडरवेयर एंड नाड़ा। अंडरवेयर इज बिग, हैंस इज अंकल। Nada is small, hence is nephew. No underwear can live without Nada, and no Nada can live without underwear in this world. Because they are inseparable, they love each other, they are incomplete without each other, that's why they have to live with each other. Aur dono ek saath to abhi karche jande hai, ek saath tulde ne, ek saath mele hunde, ek saath to abhi karche wapas aaye hunde hai. Underwear Nada to duniya nu eh sikhna chahida hai. Main vakil saab to puchda hai. चाचा साहब, तुसी ये नाड़े नू वेखो, तुहानू लगदा है
के नाड़ा अपने ही हत्ता नाल अपने अंडरवेयर का गला ना पदूगा। ये लोग मेरे तो झूठे इल्जाम लगाई जाते हैं जस साहब, मैं भगवान की कसम खाना है मैं किसी अंडरवेयर का कतल नहीं किया है। ए नाड़ा बेकसूर है जज साहब, ए नाड़ा बेकसूर है। I object your honor। तुसे एक कटिया अंडरवेयर हो वकील साहब, तुसे एक नाड़े दे जज्बात नहीं समझ सकते। I object your honor। तुसे एक कटिया अंडरवेयर हो करके अदालत दी तोहीन कर रहे हन। माय लॉर्ड, ये अदालत दी तोहीन नहीं सी बल्कि एक मासूम इंसान दी जिंदगी नू तबाही तो बचाने दी कोशिश की जा रही है। एक पागल इंसान दे लई कोर्ट दी इज्जत की ते कोर्ट दी बेइज्जती की। मैं आप जी नू अर्ज करदा कि इहो जे मासूम इंसान नू मुजरिम किद्दां साबित। योर ऑनर, ए दोनों पार्टी पागल हो गई है। मेरे हिसाब नाल ए दोनों पार्टियां नू अंडरवेयर ते नाड़ा पहना के पागल खाने छड़ देना चाहिए। अदालत उदों तक मुलतवी की जाती है जदों तक अमर की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, तो अदालत उन्हें पागल खाने में रख के उसका इलाज करने का हुक्म देती है। अगर यारों की जिद है तो अभी सब कुछ बताता हूं। मैं कितना खानदानी हूं, छलक छलक इसकी दिखाता हूं। मैं आया हूं जहां से ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਅਮਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਬੋਝ ਉਤਰ ਜੂਗਾ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ। ਓਏ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
सलाम मंत्री जी, सलाम मंत्री साहब, सलाम मंत्री जी, सलाम मंत्री जी, सलाम मंत्री जी, सलाम मंत्री जी, सलाम सलाम साहब। ओ एक मिनट शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि तुसी हमेशा अपने नाल यह कुर्सी लेके क्यों घूमते हो? सारा लफड़ा जफड़ा जड़ा हैगा और कुर्सी दे हैगा, तो फिर कुर्सी किवें छड़ दी है? कुर्सी के मामले च तो मैं आपकी कारली से विश्वास नहीं करता। साढ़े इलाके च बंदे मंजे नू कट कुर्सी नू ज्यादा पेंदे है। कोई सवाल पूछ लो यार, पागल ना समझो सानू। मंत्री जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮੇਰੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਜਾਂ ਨਾ ਥੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਕੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਬਾਈ ਬਾਈ ਤਗੜੇ ਲਫੰਡਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਅਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ। ਪਵਮ ਪਮ 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 ਪਵਮ ਪਮ। ਅਮਰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੀਅਲੀ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਡਮ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਡਮ। ਦੇਖਣ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਦਿਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਮਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਅਮਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ। ਅਮਰ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਨਟੰਕੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਿਆ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵਫਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ ਮਨ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਂ।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चंगा मंत्री जी। उस मरीज नूं अंदर भेजो। आहो सर। परावा, ओ परावा, साहब जी तुहानूं बुला रहे सीगे। तू इत्थे अस्पताल च क्यों आ गया? मैंने इतने कोई मजबूरी खिंच लिया है। 48 घंटे च मैनू किसी ने 1 लाख रुपए देने ने। तेरी ऐश परस्ती नू पूरा करने वास्ते ये कारोबार खोल के नहीं बैठे हाँ मैं। जिहड़ा काम मैं तेरे तो करवाया सी उहदा मुल दे चुके हाँ। फिर कदे आपदा मनूस थोड़ा लेके इत्थे ना आई। दिखा अन्ना साहब, एक बार फिर सोच लो।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। 1,00,000 ਰੁਪਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਚਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ 1,00,000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਆ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਨਾਟਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਤਲ? ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ? ਸਿਵਾਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, 1,00,000 ਰੁਪਏ, 1,00,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਮਰ ਤੂੰ? ਅੰਕਲ, ਅੰਕਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਜਾ ਆਜਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਚਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰਾ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਰਡਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ, ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ? ਤੈਨੂੰ ਬੇਗਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 1,00,000 ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਲੈ ਚੈੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਦਾ ਸੋਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਏ ਦਾ ਸੋਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,00,000 ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਜੀ। ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਹੈਂ?
तेरे कहने के मुताबिक मैं 1,00,000 रुपया ले आया। उन्होंने दस दे मेरे चाचे का असली कातिल कौन है। सुन भरावा, मैं बहुत मुसीबत है, प्लीज प्लीज। हाँ उत्ते देखो उत्ते। हाँ इसकी मौत होने ही हुई है, कातिल इत्थे ही होवेगा। इस थिएटर को चारों तरफों घेर लो, हरी अब। डैडी हाँ? इतनी देर तो असि कातल नूं लभ रहे हैं, 1 घंटा हो गया। मैनू नहीं लगता वो इत्थे मिलेगा। जे वो इत्थे हुंदा तां मिलदा ना। मैनू तां लगदा है कि वो साडे आउण तों पहला ही निकल गया। तुहानू नहीं लगदा? हाँ। सुनो, लाश नूं पोस्टमार्टम ले लई चलो। की होया कमिश्नर साहब, पोस्टमार्टम लई तुसी आप आ गए? अरे की दसिए डॉक्टर साहब, ये जो लाश दी सिर विच गोली लगी है, एक गोली मैनू बड़ी दूर तक पहुंचा सकदी है, इसलिए मैं इत्थे खुद आया। अच्छा, आ जाओ पहला कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंदे। वो सीमा करेगी, सीमा बाकी काम तुसी कर लो। चलो तुसी कागजी कार्रवाई करो, मैं जरा। ये मीना कौन है?
मैं अपनी कैब भूल गया सी। ओह ए रही कैब। की होए डैडी? मैं इस लाश दे मुंह ढक के गया सी, कपड़ा हट की में किया। डैडी हाँ? फैन चल रहा है, फैन नाल कपड़ा भी तो उड़ सकता है। बिल्कुल सही, वेरी इंटेलिजेंट। आओ पाजी, आ वेखियो ये रखड़ी तुसी बनाई है? ना मैंने नहीं पता। एक बार ध्यान नाल वेख लो, की पता तुहाडे किसी दोस्त ने बनाई होवे। नहीं पता। भैन जी की है रखड़ी? ये रखड़ी, ये रखड़ी तुसी बनाई है? मैं नहीं बनाया है। तुहानू पता कौन बना सकता है? नहीं जानती। नहीं तुसी दस सकते हो जिहड़े रखड़ी च नाम है? ओए साड़ा भी टैटू बना दो। प्लीज एक मिनट रुक जाओ जी, प्लीज एक मिनट। हाँ ये नाम किदा है तुम्हें पता है? ये टैटू सिवाय पांडे दे होर कोई नहीं बना सकता बाबू जी। ये पांडे मिलूगा कितने? ओ सो रहे होना पेड़ थले, एक नंबर दा आलसी ते कम चोर आदमी है बाबू जी। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है तुम्हारे विचों पांडे कौन है? पांडे आहे पांडे है भाई, वेख ला। पर गल की है, बड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा है। जरा वेखोगे कि आ रखड़ी इन्होंने बनाई है? मीना ओए ता मीना ने लोकां दे शरीर तो पांडे तो बनवाया सी। तुसी मीना नू जानदे हो? इन्हां नू समझाओ ना पाजी, मेरा मीना नाल मिलना बहुत जरूरी है। की मीना मिलना लाई गई यार? एह किहो जिहे बंदे तो सवाल पुछ रहा? दो मिनट पहला इस तो कुत्ता मौत के चला गया, कुत्ते नू तो भजा नहीं पाया है। सुन लिया, अज जिहदी मंगनी है ते आलस देख सारा जी किन्ना भरिया। अज इन्हां दी मंगनी है जी? फिर इन्हें दी मंगनी च मीना जरूर आऊ। जरूर आओगी। हेलो डॉक्टर खन्ना हेयर। मैं लोबो दी पैन मीना बोल रही हूँ खन्ना। उस लवारिस टर्सी दी अचानक पैन कितों पैदा हो गई? लोको मेरा सगा प्रा नहीं सिगा, लेकिन सगे प्रातो भी वध के सी मेरे लिए। फोन क्यों किता? पौक ना खन्ना, तू मेरे प्राणु मार के चंगा नहीं किता। की बकवास कर रही है? की सबूत है तेरे कोल? सबूत तो मेरे कोल ओ भी है जिड़े साफ जाहिर कर देने कि सक्सेना दा कातल कौन है। मेरा प्रा एक खत ते कुछ फोटोग्राफ्स मेरे कोल छट के गया है जिड़िया अमर दी फांसी नु बचान लई काफी नहीं। बस आही दसन वास्ते मैं तेनू फोन किता है खन्ना कि मैं ये सारे सबूत पुलिस दे हवाले करन जा रही हूँ ताकि वो बेगुनाह अमर बच जाए। ओए नहीं नहीं मीना दीदी, तू जड़ा सोच रही है वो मैं नहीं हाँ, रखड़ी जी सौ लोबो दी भैन मेरी भैन। लगता है भैन भरा दे विच किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मैनू तेरा पता दस, मैं तेरी गलत फहमी दूर करना चाहना, मिलना चाहना तेनू। मैं कुत्तिया नू मिलना पसंद नहीं करती। कुत्ता? की? ओ लोबो दी भैन मैनू कुत्ता बोल गई यार, हुण कुत्ता वड़ेगा नहीं तां कुत्ते नू कुत्ता कौन कहेगा? समझ गया? समझ गया डॉक्टर। पैसा सुट तमाशा वेख। धुन भले धुन। बोल प्रावा। क्यों नहीं जरूर, लेकिन मीना कदो आओगी उस्ताद? पुत्र चल पुत्र चल पुत्र, है कुड़ी इंतजार कर रही है, चल कुड़ी ने अंगूठी पौनी है। हैं हाय हाँ हाँ ओ मेरे ता भाग ही फुट गए,
10 साल हो गए नु समझाउंदे समझाउंदे एनी चंगी कुड़ी बार बार नहीं मिलनी ओए मौका ना गवा पुत्र एनु समझाओ समझाए हां समझाए हां भरा ओ जेरी मंडली आई ओ किथे है ओ थे आ सफल हुए जाए इसलिए तो कहता हूं लड़की पटा ले बबुआ और लड़की पटा ले बबुआ भंग का तुझे चढ़ाया पीली तूने दारू दारू ए दारू ए दारू नशा भंग का तुझे चढ़ाया पीली तूने दारू प्यार के खूंटे से बांधेगी अब तुमरी महरारो महरारो अरे तोहरे लुगाई रे छजर बोले नहीं डाले काम सीधी हमारे तू पैसा मिट्टी का बांधो जो जो दिल ना हारे तू आजा रिया जा खुला दिल का दरवाजा आजा ऐसे न देख बबुआ जान दो यार ओ ओ यार जान दो यार मैंने मीना कोल जाना वरना पंगा पै जाऊगा
ਓਏ ਓਏ ਡਰੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਸੀ ਜਾਗੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸੀ ਗਏ ਉਹ ਮਾਰ ਸੜਨ ਉਹ ਮਾਰੋ ਉਹ ਮਾਰੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਅੰਕਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਮਰ। ਨਰਸ ਵਾਰਡ ਬੋਏ ਨਰਸ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ICU ਲੈ ਜਾਓ ਛੇਤੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਅਮਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਨੇ ਆ। ਖੰਨਾ ਅੰਕਲ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਅਮਰ ਰਿਲੈਕਸ ਚੱਲ। ਖੰਨਾ ਅੰਕਲ ਰਿਲੈਕਸ ਅਮਰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਨੀਡਫੁਲ ਕਾਫੀ ਪੀ।
डॉक्टर साहब, कुड़ी मर गई। मीना, मीना, नहीं मीना, नहीं, नहीं मीना, तू नहीं मार सकती, तू ही तो आखिरी सबूत है। मीना, 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 खन्ना अंकल, खन्ना अंकल, मीना दे हाथ पेन सी, वो कुछ लिखना चाहती सी, अंकल कुछ करो ना प्लीज। सॉरी अमर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यह मर चुकी है। मैं हुणे आउनी आं। जदों मैं पहुंचा, मेरे हाथ च पेन सी, शायद लिखना चाहती सी, शायद असली कातिल बारे। ए मैं लैटर के फोटोग्राफ्स गांधी चौंक के लैटर बॉक्स में पाते हैं। कौन? मासी, मैं है अमर। अमर, अमर तू, तेनू इधर आंदे हुए किसने विख्या? नहीं नहीं, किसी ने नहीं विख्या। अमर, मासी, कीवे है पुत्र? की दसा मासी, बस जिंदा है। हाँ? पुलिस दे चुंगल तो जानवर वांगू भजदा फिरदा है मासी, बहुत ज्यादा थक गया है। मैं सोना चाहना है मासी। सो जा, थक गया। सो जा। आ, 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 आ,
ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੋਲਵਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸੀ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਸਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹ ਮਾਸੀ ਵਾਹ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਭ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਪ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਮਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਬੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੀਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਿਖ। ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਵੱਟੇ ਡਰਾਮਾ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਕੇਲੀ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਭੋ ਦੇ ਖਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਨਿਊ ਕਪਲ ਯਾਨੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ? ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਖੰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
साले इन्ने मोटरसाइकिल वाले मासी नू कदों मिलन आंदे सी। भज लै छोटे सरकार वरना फस जाएगा। ओए खुल जा। नारियल देते प्रावा। वो आगे हो गया पंचो, वो आगे हो गया, वो पंचो है, पंचो है। या अमर पुत्र इन्हें दो टायर वाली गड्डी ते जांदा जांदा थक जाएगा, इसलिए हले मेरी कार दी चाबी ते फोटोग्राफ एसीपी नू देके आई ते वापस आने तो बाद आपदी मशूक दी लाश लेके जाई। तेरी सहायता लई निकली सी, असी सोचे असी ले आईए। आउच अमर, अमर तू मेरी फिक्र ना कर, तू चला जा। हां ठीक है जाना, मैं एक काम करना, आपदी चूड़ियां लाके दे देना मेनू। हाँ? एक अद्धी बार मदद की कर दी तू मैं, तू आपदे अपने चांसी दी रानी समझन लग गई है। एक मिनट भाई साहब देखो, जनानी नु जनानी वाले काम सजदे है ते बंदियां नु बंदियां वाले। क्या ना, जनानिया का काम नहीं है। जा जाके पुलिस नु बुला जा। या, या। तू इत्थे क्यों नाच रहा है? इसनु अरेस्ट करना साला डिपार्टमेंट है और तेरा डिपार्टमेंट उत्थे है। उत्थे जाके नचो। हे रब्बा। मिसेस गायगुड, ओए ओ मोटी, ओ मोटी हवलदार, ओ नीमो मोटी झट दे मेनू, ओए 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 की कर गई है, ओ रब दा वास्ता, ओए पागल हो गई है, ओ छोड़ जा मेनू कोई, ओए छोड़ दे, ओए हट हट, पागल हो गई मोटी। क्यों है एन्ना भी नहीं समझदा? ए रिहर्सल सी, टेक मैं दवांगी, सत चुमिया तो मेरे को उधार ले ले। और हां, बदले च सारा संसार ले लो, चलो मेरे ना पीछे आओ, चलो चलो।